वाराणसी तुझे प्रियंका गांधी निवडणुकीला उभ्या राहिल्या तर मोदींना वाराणसी सोडणं कठीण जाईल। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। 2024 की मिसाल पर जहां एक सवाल बड़ा शोर कर रहा है कि एनडीए बनाम इंडिया के मुकाबले में मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, उसी बीच उद्धव गुट वाले शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बयान देते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं, तो पीएम मोदी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा म्हटलेला है बरोबर है, कारण मी दिल्लीत आहे, आम्ही राष्ट्रीय राजकारण पाहत असतो। वाराणसीतून जर प्रियंका गांधी निवडणुकीला उभ्या राहिल्या तर मोदींना वाराणसी सोडणं कठीण जाईल आणि प्रियंका गांधी जिंकतील असं मला खात्री आहे। वाराणसी या वेळेला अमेठी, रायबरेली, वाराणसी इथे वेगळे निकाल लागतील, देशाचं राजकारण पूर्णपणे बदलतं। अब संजय राउत के इस बयान ने सियासी गलियारों में चर्चाओं की चाल तेज कर दी है। वहीं राउत ने चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी के पदार्पण का प्लान बताया तो घमासान भी मचने लगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राउत के बयान पर तंज कसते हुए कहा, उद्धव ठाकरे लड़ेंगे तो वो भी जीत जाएंगे। इसी बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी इशारों में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात कह दी। हालांकि वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी को लोकसभा में होना चाहिए, उनके पास सभी योग्यताएं हैं, वो बहुत अच्छी सांसद होंगी। वाड्रा के बयान के बाद अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुझे लगता है कि उनको हमेशा और उनको अच्छा लगेगा अगर वो लोकसभा में आए और अपनी, चाहे अमेठी हो या सुल्तानपुर हो, जहां से भी पार्टी को लगेगा कि उनको वो क्षेत्र रिप्रेजेंट करना चाहिए, उनकी कंस्टिट्यूंसी होगी, तो जरूर मैं चाहूंगा कि वो लोकसभा के लिए लड़ें और जो भी पार्टी चाहेगी उसके मुताबिक वो कदम लें, पर उनकी जगह पार्लियामेंट। वहीं विपक्षी खेमे में चल रही कवायद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो कहा वो विपक्षी खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। पीएम मोदी ने कहा, अगले साल फिर यहाँ झंडा फहराऊंगा, देश की उपलब्धियां दुनिया को बताऊंगा। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सब ने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। बहरहाल चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री कांग्रेस के लिए संजीवनी सरीखी हो सकती है, लेकिन सवाल ये है, क्या प्रियंका गांधी की सियासी पारी को पहले चुनाव में ही पूरी तरह खत्म कराने का सुझाव दे रहे हैं संजय राउत? क्योंकि सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के मुकाबले वाराणसी से चुनाव जीत पाएंगे प्रियंका गांधी? एक सवाल ये भी कि 2019 से पहले महासचिव बनकर सक्रिय सियासत में उतरने वाली प्रियंका गांधी क्या 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी?